लोकसभा चुनाव हुए तो किसको कितनी मिलेंगी सीटें, जाने इंडिया गठबंधन के बाद हुए ताजा सर्वे के हैरान करने वाले नतीजे। 2024 लोकसभा चुनाव में अब साल भर का समय भी नहीं बचा है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी रणनीति के साथ अभी से चुनावी मैदान में हैं। इस बार का मुकाबला जनता के लिए दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए दो बड़े गठबंधन में सीधी जंग होने वाली है। एक पीएम मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए तो दूसरा एकजुट विपक्ष का इंडिया है। इस बीच एनडीए और इंडिया को लेकर एक ताजा सर्वे किया गया, जिसके नतीजे दंग करने वाले हैं। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए लोगों का रुझान देखने के लिए एक सर्वे किया गया। सर्वे में अब तक लोकसभा की कुल 543 सीटों में से 256 पर रुझान आए हैं। इसके मुताबिक एनडीए को 265 में से 144 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं गठबंधन इंडिया के पाले में 85 सीटें जाने का अनुमान सामने आया है। अन्य को 36 सीटों पर जीत दिख रही है। जाने सर्वे में नॉर्थ ईस्ट राज्यों, दिल्ली, पंजाब, बिहार, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर में किसको कितनी सीटें मिलने का अनुमान है। इस राज्य में विपक्षी गठबंधन का क्लीन स्वीप। सर्वे पूरे देश भर के कुल 44,548 प्रभावशाली मतदाताओं से पूछे गए सवालों पर उनसे मिली राय पर आधारित है। सर्वे में शामिल कुल मतदाताओं में 23,871 पुरुष और 20,667 महिलाओं ने राय दी है। सर्वे के मुताबिक दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 5 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि अगर अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव में उतरती है तो इंडिया गठबंधन को 2 सीटों पर जीतने का अनुमान है। वहीं पंजाब में लोकसभा सीटों की बात करें तो यहां भी अगर सत्तारूढ़ आप पार्टी गठबंधन में रहती है तो राज्य में इंडिया क्लीन स्वीप कर सकती है। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में एनडीए को 21 सीटों पर जीतने का अनुमान है, वहीं इंडिया गठबंधन को 4 सीटें मिल सकती हैं। मध्य प्रदेश में कुल 29 लोकसभा सीट हैं, जिसमें एनडीए को 24 सीटें और गठबंधन इंडिया के पाले में 4 सीटें जाने का अनुमान है। छत्तीसगढ़ को देखें तो यहां की कुल 11 सीटों में एनडीए को 7 सीटें और इंडिया को बाकी के 4 सीटें जीतने का अनुमान है। बिहार, जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट राज्यों के आंकड़े। बिहार में एनडीए में हुई उथल पुथल के बाद भी उसके खाते में 24 सीटें जाने का अनुमान है। बिहार में कुल 40 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से बाकी की सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत मिलने का अनुमान है। हरियाणा की कुल 10 सीटों में एनडीए को 8 तो वहीं इंडिया को बची 2 सीट का मिलने का अनुमान है। झारखंड में 14 लोकसभा सीट है, जिसमें एनडीए को 13 और इंडिया को 1 सीट मिल सकती है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार के बावजूद 4 में से 3 पर एनडीए को बढ़त मिलने का अनुमान है और इंडिया को 1 सीट। अब नॉर्थ ईस्ट राज्यों की लोकसभा सीटों की बात करें तो असम की कुल 14 सीटों में एनडीए को 12 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि इंडिया और AIUDF को 1-1 सीट मिल सकती है। हिंसा प्रभावित मणिपुर की बात करें तो यहां के दोनों सीटों पर इंडिया गठबंधन को जीत मिलने का अनुमान है। बाकी के राज्यों में मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और त्रिपुरा की सभी 9 सीटों पर एनडीए को बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 6 सीटों में से 3 एनडीए, 2 इंडिया और 1 अन्य को मिलने का अनुमान है।